हेलो भाई, मैं हूँ फैक्ट भाई और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि डोरेमोन को इंडिया के मोस्ट फेवरेट एनिम सीरीज की तरह देखा जाता है, जिसकी बदौलत इसने 2 बार किड्स चॉइस अवार्ड जीता है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्सर मूवीज या सीरीज पे सेंसर लगाने वाले BCCC ने इस बच्चों के कार्टून पर भी सेंसर लगा दिया है। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि इसके BCCC के कौन से रूल को तोड़ने मरोड़ने से वो इस हद तक मजबूर हो गई, तो ये देखो। पर ये तो बड़ी सी पिक्चर का छोटा सा ट्रेलर है, पर पिक्चर के क्लाइमेक्स के पहले फैक्ट भाई बताएगा आपको कि इंडिया ने तो सिर्फ सीरीज के सीन्स डिलीट किए, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो इस सीरीज को बैन ही करना पड़ गया है। और जितनी अटपटी ये बात थी, उतना ही अटपटा पाकिस्तान का बैन करने का रीजन भी है। पर ये सब तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो डोरेमोन जिस पे बच्चे बूढ़े पॉलिटिकल पार्टीज तक बात करती हैं, उस स्टडी टेबल की ड्रॉअर से आए कूल पॉकेट रोबोट को अपने ही कंट्री जापान में क्यों हेट किया गया था। चलिए जानते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल डोरेमोन डिलीटेड सीन्स इन इंडिया में। डोरेमोन के साइड किक नोबिता भाई को आप उसके लेजी, डम, काइंड हार्टेड और हमेशा रोने के लिए जानते होंगे, पर आज मैं आपको रोतड़ू नोबिता का ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जो शायद ही आपने देखा हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में होता यह है कि जियान नोबिता भाई से आइसक्रीम छीन लेता है और उसे कम पैसे देकर उल्लू बनाता है, जिसके बाद हमेशा की तरह नोबिता रोते हुए डोरेमोन से गैजेट मांगने निकल पड़ता है। और हर बार की तरह ही इस बार भी डोरेमोन नोबिता को गैजेट दे देता है, लेकिन इस बार डोरेमोन उसे एक ऐसा गैजेट देता है जिससे नोबिता हर किसी पर शक करने लगे। अब गैजेट लेकर नोबिता जियान को ढूंढने निकल जाता है और ग्राउंड पे नोबिता को शिजुका मिलती है, पर इस बार नोबिता के दिल में शिजुका का वायलिन नहीं बजता है और गैजेट की वजह से नोबिता शिजुका पे भरोसा भी नहीं करता। गैजेट की वजह से नोबिता को यही लगता है कि जियान ही शिजुका बनके वापस उसे उल्लू बनाने आया है, और खुद के इस डाउट को क्लियर करने के लिए नोबिता शिजुका का ड्रेस ऊपर करता है। अब डाउट को क्लियर करने के लिए ड्रेस को ऊपर करने की क्या जरूरत थी, वो तो नोबिता जाने। पर वल्गैरिटी की वजह से इस सीन को इंडिया में एयर होने से पहले सेंसर किया गया था, ये मैं जानता हूँ। ऐसा ही कुछ नोबिता के अगले सीन में हुआ था, जहां नोबिता के मॉम डैड आराम से बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक नोबिता खुशी के मारे पूरे घर में नेकेड घूमता हुआ दिखाई देता है। अब नोबिता को किस चीज से इतनी खुशी मिली, ये राज तो सेंसर्ड सीन के साथ डिलीट हो गया। और सोचो, अगर इस सीन को डिलीट नहीं किया जाता और आपके मॉम डैड के साथ ये सीन देखते, तो जरूर आप एक ऑकवर्ड साइलेंस का शिकार बन जाते। वहीं आज के स्मार्ट बच्चे शायद नोबिता के इस एडवेंचरस नेकेड डांस को कॉपी भी कर लेते, बट थैंक्स टू BCCC जिन्होंने हमें बचा लिया। लेकिन सिर्फ ये 2 सीन्स नहीं है जिसे डिलीट करने की जरूरत पड़ी। ये क्या है, वल्गैरिटी नहीं, न्यूडिटी नहीं, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसको क्यों डिलीट किया फैक्ट भाई, यही सोच रहे हो? तो इस सीन में नोबिता अपने होश खोकर खुद के ही दोस्त पे हैमर से हमला कर रहा है, और इसीलिए इस सीन को डिलीट करना जरूरी था, क्योंकि डोरेमोन की टारगेट ऑडियंस में मैक्सिमम छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे मन के सच्चे तो वही सीखते हैं जो देखते हैं, है ना? और किसी को हैमर से मारना कितना बड़ा वायलेंस है जो बच्चों में एग्रेशन पैदा कर सकता है, ये हम जानते हैं। इसीलिए BCCC के अकॉर्डिंग वल्गैरिटी, वायलेंस और एग्रेशन से बच्चों को दूर रखने के लिए उन्होंने ये सारे सीन्स को सेंसर कर दिया, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों का दिमाग उनके ग्रोइंग स्टेज पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रेस्प करता है, और इतनी छोटी उम्र में उनके आगे वायलेंस, वल्गैरिटी और न्यूडिटी को एक्सपोज करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में तो सिर्फ सीन्स डिलीट किए गए, पर जापान जो डोरेमोन की खुद की कंट्री है, वहाँ ऐसा क्या हो गया कि सीन तो डिलीट करना छोड़ो, पूरी की पूरी सीरीज ही रुकानी पड़ गई? पर इसके क्या, क्यों और कैसे के बारे में बताने से पहले मैं आपको डोरेमोन की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। वेल, डोरेमोन एक्चुअली एक मैंगा सीरीज थी जिसके राइटर और इलस्ट्रेटर फ्यूजिको एफ फ्यूजियो हैं, और उन्होंने ये मैंगा जापान में दिसंबर 1969 में सीरियलाइज कर दी थी, जिसके 1345 चैप्टर्स को 45 टैंकोबोन वॉल्यूम्स यानी डोरेमोन के अलग अलग बिना कंटिन्यूटी वाली किताबों में कंपाइल किया गया था। और शोगाकुकन नामक पब्लिशिंग कंपनी ने 1970 से 1996 तक इन्हें पब्लिश किया था। फिर हमारी तरह हमारे पापा और उनके फ्रेंड्स डोरेमोन क्यों नहीं देख पाए, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में आने के लिए डोरेमोन ने कोई 22nd सेंचुरी का गैजेट इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते डोरेमोन फ्रेंचाइज इंडिया में फरवरी 13, 2005 को आई, और इसे सबसे पहले हंगामा टीवी पे एयर किया गया, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि डोरेमोन ने निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन शो के लिए 2013 और 2015 में अवार्ड जीता,
और आगे भी 2014 से 2019 तक सेम कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ। हालांकि 2018 की शुरुआत में कुछ पॉलिटिशियन और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट ने डोरेमोन और क्रेयॉन शिनचैन को बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालने और बच्चों को गलत चीजें सिखाने के इल्जाम के साथ बैन करने की मांग की थी। यही वजह है कि डिज्नी चैनल इंडिया आज वल्गर और वायलेंट सीन को हटाकर ही डोरेमोन को आज भी एयर करता है। अब डोरेमोन के जापान से लेकर इंडिया वाले इतिहास के बारे में तो हमने जान लिया, तो चलो जानते हैं कि 1973 में ऐसा क्या हुआ कि जापान को 6 महीनों के अंदर ही इस सीरीज को बंद करना पड़ा था। तो 1973 का डोरेमोन कितने लोगों ने देखा है? मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि 1973 में डोरेमोन मैंगा का सबसे पहला एनिमेटेड वर्जन था, जिसे 1 अप्रैल 1973 में जापान के निप्पॉन टीवी पे एयर किया गया था, और इसमें 26 एपिसोड्स और 52 सेगमेंट्स थे, जो शायद ही किसी को पसंद आए, क्योंकि आज के डोरेमोन सीरीज और 1973 के डोरेमोन सीरीज में जमीन आसमान का फर्क था। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एपिसोड की ही बात करें तो नए डोरेमोन सीरीज में जब डोरेमोन टाइम ट्रेवल करके नोबिता के घर आता है तब सब उसे एक्सेप्ट करते हैं, बट 1973 सीरीज में नोबिता के मॉम डैड दोनों डोरेमोन को एक्सेप्ट नहीं करते और उस पे बर्तन फेंकना चालू करते हैं, जो दिखने में काफी डिस्टर्बिंग लगता है। बस यही नहीं, हम सबको पता है कि डोरेमोन कभी भी किसी को अपने गैजेट से तकलीफ नहीं पहुंचाता, पर इस सीरीज में डोरेमोन जियान को अपने गैजेट्स की मदद से एक फैक्ट्री की चिमनी में डालता है। ऐसे ही 1973 डोरेमोन की शिजुका सुनियो में ज्यादा फर्क तो नहीं था, पर जियान को हम सबसे बेकार कैरेक्टर कह सकते हैं, जिसकी सीरीज में मॉम नहीं दिखाई गई थी, बट उसके डैड थे, जिन्हें एक एपिसोड में जियान ने मारा था, और बेचारे उसके डैड अकेले में उसकी मॉम के फोटो के सामने रोते हुए दिखाए गए थे। शायद यही वजह है कि ये सीरीज सिर्फ 6 महीने तक ही एयर हुई और फिर इसका लास्ट एपिसोड एयर करवाया गया, जिसका नाम था गुड बाय डोरेमोन, जिसके बाद इस सीरीज को सिर्फ एज मैंगा ही कंटिन्यू किया गया। और हमारे नए डोरेमोन ने 1979 में सिने एनिमेशन और टीवीएसआई के मिले जुले कॉरपोरेशन से नई सीरीज का लॉन्च किया, पर इंडिया और जापान के अलावा दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर आने वाले यूएस की भी डोरेमोन के साथ नहीं बनी। यूएस में डोरेमोन को काफी लेट यानी 7 जुलाई 2014 को एयर किया गया, तब तक यूएस एनिम फैंस की एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गए थे, जिसके चलते मोस्ट ऑफ यूएस एनिम फैंस को डोरेमोन जैसा एनिम पसंद नहीं आया, क्योंकि डोरेमोन एनिम का टारगेट ऑडियंस ज्यादा करके छोटे बच्चों का था और उसका एनिमेशन भी बहुत सिंपलिस्टिक कार्टूनी आर्ट स्टाइल था, जबकि यूएस के फैंस सोर्ड आर्ट ऑनलाइन, ओजारू मारू, एंड वन मैन, पोकेमोन और यूगियो जैसे एनिम देखना शुरू कर चुके थे, जिसके मुकाबले डोरेमोन के पास इतने एलिमेंट्स नहीं थे, कंटिन्यूटी नहीं थी, ज्यादा मैच्योर टॉपिक नहीं थे। वहीं यूएस एनिम फैंस को एक्सेसिव वायलेंस देखना पसंद था, जो डोरेमोन में नहीं दिखाई देता था। यही वजह है कि एयर होने के बाद भी डिज्नी XD ने इस एनिम सीरीज को ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अक्सर ये शो उस टाइम पे एयर होता था जब बच्चे स्कूल में हुआ करते थे, जिसकी वजह से बच्चों में डोरेमोन के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया। इसके अलावा डोरेमोन के अनसक्सेसफुल होने का दूसरा मेजर रीजन ये था कि डोरेमोन को एशिया के बाहर एयर करने के लिए जो कॉपीराइट्स लगते थे वो काफी एक्सपेंसिव थे। अब जब दूसरी कंट्रीज की बात हो ही रही है तो जानते हैं फ्रांस और जापान में डोरेमोन को लेके कंट्रोवर्सी कैसे हुई, जिसमें जापान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब जापान के एक मशहूर राइटर इटोनारी सुजी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि फ्रेंच एजुकेशन अथॉरिटीज डोरेमोन सीरीज को बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट मानती है, क्योंकि फ्रांस की एजुकेशन अथॉरिटीज के हिसाब से नोबिता नोबी एक गलत एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, जो अपनी हर एक प्रॉब्लम्स के लिए डोरेमोन और उसके गैजेट्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। अब इस पे जापान मिनिस्ट्री का कहना माने तो वो ये था कि उन्होंने फ्रांस की तरफ से डोरेमोन को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं सुनी है, जैसे हिटोनरी सूजी कह रहे थे। तो सच क्या है? वेल, डोरेमोन फ्रांस में बैन तो नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे भी इसके फ्रेंच डब एपिसोड देखे जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, डोरेमोन अभी भी टीवीएस एफिलिएटेड बोइंग टीवी, जो इंटरनेशनल फ्रेंच लैंग्वेज चैनल है, पर एयर किया जाता है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपको याद ही होंगे, है ना? हाँ, जिनके डोरेमोन को बैन करने का रीजन मैंने अटपटा बताया था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में डोरेमोन को वल्गैरिटी के लिए तो बैन किया ही, बट उसे बैन करने का एक और रीजन ये था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया में डब होने वाला डोरेमोन की सीरीज को एयर कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चों को अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखने में तकलीफ हो रही थी और वो उर्दू से ज्यादा हिंदी में बात करना सीख रहे थे। इसलिए PTI, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, उसने पाकिस्तान में डोरेमोन को एयर करने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के मिनिस्टर हसनुल हक इनू ने भी पार्लियामेंट में डोरेमोन को एयर न करने का ऑर्डर पास किया। पर अब बच्चे भी क्या करें, हिंदी है ही इतनी एडिक्टिव। इतना सब कुछ होने के बावजूद डोरेमोन काफी कंट्रीज में
सक्सेसफुल एनिम सीरीज रहा है, जिसने इंडिया में दो बार बेस्ट कार्टून सीरीज के लिए अवार्ड तो उठाया ही, बट स्पेन में भी डोरेमोन को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिम सीरीज में से एक माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, डोरेमोन को पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैन करना सही था? क्या आप पर भी आपके मॉम डैड ने डोरेमोन देखने से रिस्ट्रिक्शंस डाले थे? क्या आप भी इसी इंतजार में हो कि कब आपके स्टडी टेबल की ड्रॉअर से एक रोबोट बाहर आ रहा है? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।